हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे 2 मीटर कपड़े में बहुत ही घेरदार सलवार। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग की पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है, तभी आप 2 मीटर कपड़े में घेरदार सलवार बनाना सीख पाओगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके एक बार और फोल्ड कर लिया है, और ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है। तो देखिए आप, इसी में से मैं सलवार की कटिंग करूँगी। अब हमें इसे अच्छे से जमा लेना है। यहाँ पे हमारे सलवार की जो भी लंबाई है उसे आप नाप लीजिए, और तीरे को छोड़कर आपको बाकी की लंबाई रखना है। तो यहाँ पे हमारी 30 है, प्लस हमने 2 इंच यहाँ पे मोहरी के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है, और मोहरी जो है हमारी वो है 7 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच की मोहरी रख देंगे, 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 8 इंच हमारी मोहरी हो गई। मोहरी का निशान नीचे लगाएंगे, और जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे भी पूरा ड्रॉ कर लेंगे, सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब हम म्याने के यहाँ से सलवार की लंबाई नापेंगे। तो हम यहाँ पर बड़े लोगों के लिए म्याने की जो लंबाई वो 10 इंच रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि जो हमारा बाजू का जो कपड़ा है उसे हम वहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो 12 इंच हमने लंबाई ले ली है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारा जो बाहर से जो कपड़ा निकला है एक्स्ट्रा, उसे हम म्याने की जगह पर रखेंगे, और इसे यहाँ पर इस तरह से, जिससे हमारी सलवार की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाएगी और प्लेट भी ज़्यादा आएगी। अब हम म्याने के लिए 10 इंच लंबाई नाप लेंगे जहाँ तक हमारी आ रही है, और उसके बाद हम यहाँ पे सलवार के शेप में ड्रॉ कर देंगे और कटिंग कर लेंगे। अब हमारा जो साइड से जो कपड़ा बच्चा है उसको हम म्याने बनाने में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 मीटर कपड़े का पूरा यूज़ कर लेना है। ये हमारी म्याने हो गई है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की जो चौड़ाई है हमारी वो है 50 इंच, और लंबाई है वो हम रखेंगे 8.5 इंच। तो हमारी पूरी सलवार जो है 36 इंच की बनकर तैयार होगी। अब हमने 8.5 का निशान रखते हुए पूरे में कटिंग कर ली है। अब क्योंकि हमारा बेल्ट छोटा रहेगा तो इसमें हम एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ देंगे। तो अब हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने साइड से कपड़े जोड़ के ले लिए हैं, इन्हें हम सबसे पहले सिलाई लगा लेंगे। एक बार पक्की सिलाई कर देंगे, साथ में म्याने भी जोड़ लेंगे। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी म्याने और इस एक्स्ट्रा कपड़े को जोड़ लगा लेना है, और बेल्ट पे भी जो हमने एक्स्ट्रा कपड़े कट किए थे उन्हें भी जोड़ लेना है, जिससे हमारे बेल्ट की चौड़ाई जो है वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पे हम बेल्ट को फोल्ड करके और इसमें बीच में एक निशान लगा लेंगे कपड़े को कट करके, क्योंकि यहाँ से हम सलवार को स्टिच करेंगे बीच से। तो अब हमने दोनों म्याने को रखकर, दोनों साइड की म्याने रखकर, और इसमें सिलाई लगा लेंगे, दोनों पाइचों को जोड़ लेंगे। तो अब हम बेल्ट लेंगे, उसके ऊपर हमें जो हमने म्याने का जोड़ जो लगाया है उसे रखेंगे, और जो हमने अभी कट का निशान लगाया था वो वहाँ पर इसको रखकर, और इसमें एक साइड की चुन्नट हम डालेंगे। तो यहाँ पर एक हम बड़ी चुन्नट डाल लेंगे, ये पीछे की साइड है, और उसके बाद सिलाई लगा लेंगे। फिर आप देख लेना जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है
उसी के हिसाब से फिर हम आगे छोटे छोटे चुन्नट ऐड कर देंगे और पूरे पे लगा लेंगे। तो देखिए अब हमारी यहाँ पे सारी चुन्नट लग चुकी है। अब इसी तरह हमें दूसरे साइड में भी चुन्नट डाल लेना है। पीछे की साइड हम एक बड़ी चुन्नट डालेंगे, बाकी पूरी हम आगे की साइड डाल लेंगे। तो यहाँ भी हमारी चुन्नट लग चुकी है। अब हम इस पर पक्की सिलाई कर देंगे बेल्ट के ऊपर कपड़े को सीधा रखते हुए, जिससे इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो अब हमारी पक्की सिलाई भी लग चुकी है। अब हम दोनों कपड़ों को पकड़कर यहाँ से हम बेल्ट के यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे नारे के लिए मोड़ने के लिए। बाकी फिर हम स्टिच लगा लेंगे इसमें। और तो हमें जहाँ निशान लगाया है वहाँ तक सिलाई ला कर वापस ले जानी है। अब इसके बाद जो हमने सिलाई जहाँ तक लाकर छोड़ी थी वहाँ पे हमें जिस तरह से हम कुर्ती में टक्स बनाते हैं, चाक बनाते हैं, उसी तरह हमें यहाँ पे भी चाक बना लेना है, जिससे एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर ना निकले और यहाँ की फिनिशिंग भी आ जाए। अब हमें इसे डबल फोल्ड करते हुए नाड़े के लिए इसे बना लेना है, नाड़ा डालने के लिए, और सिलाई लगा लेना है इस पर पूरे पर। तो यहाँ पर हमारा नारे के लिए बनकर तैयार है। अब हम नीचे के पाचे बनाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे बकरम ले लिया है। अब हम इसे इसमें अटैच कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है, तो उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा देना है और इसे मोड़कर एक बार और सिलाई लगा लेना है और इसके ऊपर 2-3 बार सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम सादे ही पाचे बना रहे हैं तो हम यहाँ पे सीधी ही सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग की ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे और मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर हमारा पाचा बन चुका है। अब हम इसमें फिटिंग डालेंगे। तो हमारी मोहरी की जो लंबाई थी वो चौड़ाई जो है वो 7 इंच है, तो वहाँ पे हम मार्क करके इसमें पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हमें इसी तरह सिलाई लगा लेनी है 7 इंच रखकर। यहाँ पे हम डबल सिलाई कर लेंगे, जिससे ये पक्का हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो भी निकलता है उसे कट कर दें, ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारी सलवार बनकर तैयार है।